हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशोक कुमार इलेक्ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पास LG TV रिपेयरिंग होने के लिए आया है, जो 20 इंची है, गोल इसका शीशा है, यानी कि 20 इंची इसको बोलते हैं। ये इसका ऑन ऑफ बटन रहा और ये इसका मैनुअल रहा और ओरिजिनल कंपनी का है, LG का। और यहाँ पे हमारा ड्यूल स्पीकर लगा हुआ है। तो इसमें लाइट देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो बोर्ड में प्लग डाल दिया, अब इसको स्टार्ट करते हैं और आपके सामने है इस टीवी में फॉल्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसका जो स्क्रीन आ रहा है, धुंधली आ रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसी फॉल्ट को रिपेयरिंग करना है। और इसी फॉल्ट में जो है कस्टमर लेके हमारे पास आया है, तो इसको देखते हैं इस फॉल्ट में क्या चीज़ ख़राब निकलता है। तो गाइज, हमारे चैनल पर पहली बार जुटे हो तो पूरा वीडियो देख के सब्सक्राइबर करें, ताकि अगला जो वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इस तरह के टीवी में ज़्यादातर गाइज हमारा जो ख़राब देखने को मिलता है, या तो हमारा ESC के जो फोकस लाइन है उसमें दिक्कत हो सकता है, या जो हमारा बेस होता है 10 इंची के उसमें दिक्कत हो सकता है। तो फाइनली हम इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों, ये जो है LG का भी ओरिजिनल इसका प्लेट है, और ये हमारा गाइस बेस लगा हुआ है, इसका भी फॉल्ट हो सकता है, और नहीं तो ये फोकस सेट करते ही हो सकता है कि ये सही हो जाएगा। तो इस तरह का फॉल्ट गाइस या तो फोकस का, ये CST का हो सकता है, या हमारा बेस का हो सकता है। और कई बार क्या होता है, ट्यूब में भी हो सकता है, कई बार क्या होता है कि ट्यूब वीक हो जाता है, तो इस तरह का फॉल्ट देखने में आ जाता है टीवीओं के अंदर। तो फिर इसमें दोबारा लाइट देते हैं और यहाँ से एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है जो धुंधला तस्वीर आ रहा है वो फॉल्ट डिक्लेयर होता है कि नहीं होता है। तो टीवी के तार को दोबारा लगा दिए, फिर इसमें लाइट देते हैं। तो लाइट दे दिया और हमारा टीवी ऑन हो चुका है। यही इसका मेन फॉल्ट है।
ये धुंधला दिख रहा है, ये साफ दिखना चाहिए तब हमारा जो है तस्वीर साफ दिखेगा। अब एसटी के लाइन को घुमाते हैं अपना फोकस को, फिर देखते हैं कि ये सही होता है कि नहीं होता है। तो भाई हम टीवी को बंद कर देते हैं, यहाँ से एडजस्ट करके देख लिए, पर इससे थोड़ी बहुत अंतर पड़ रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। तो फाइनली जो है बेस चेंज करके देखेंगे, और नहीं तो ये पीएफ है इसमें भी दिक्कत आ सकता है। तो अब बेस निकालेंगे, ये हमारा 10 मिनट का बेस होता है। तो देखते हमारे पास पड़ा है नहीं पड़ा है, अरे तो किस टीवी का पुराना निकालूंगा। इसमें दिख रहा है दोस्तों कि इसमें एचडी जो है नए डाल रखे हैं, अभी इसका अभी ओरिजिनल एचडी नहीं है, निकाला हुआ है, तो इससे कोई लेन देन नहीं है दोस्तों। हमारा जो काम है फोकस का, इसका फॉल्ट निकालना है, जो कि स्क्रीन पर आप देख लिए किस टाइप के इसमें फॉल्ट आ रहा है। तो इस तरह का जो फॉल्ट है हमारे कई बार एचडी में भी आ सकता है, जो कि यहाँ से हम स्क्रीन को सेट करते हैं तो कुछ मिनट के लिए हो जाता है, आगे चलकर छोड़ देता है। इस तरह का फॉल्ट जो है एचडी का भी हो सकता है,